नमस्कार दोस्तों, और वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम अधिगम से संबंधित 40 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और अधिगम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी का। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें और ध्यानपूर्वक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें, और इसकी अगर आप PDF पढ़ना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और हमें मोटिवेट जरूर करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम से तात्पर्य है। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर जरूर लगाएं, इससे आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन RPSC स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी 2016 में पूछा गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, दूरवर्ती स्थानांतरण। बाकी जो सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण है, ये सभी प्रकार हैं अधिगम के, अधिगम स्थानांतरण के। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते फिर, सीखना एक लक्ष्य आधारित क्रिया है, इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान है। तो वे कारक कौन कौन से हैं? वे हैं वातावरण, विद्यार्थियों को बलपूर्वक प्रेरणा और विद्यार्थियों की मानसिक व्यवस्था। उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका सही आंसर है। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी RPSC के जो स्कूल लेक्चरर के एग्जाम हुए थे 2016 में, उनमें पूछे गए हैं, तो इनका आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं फिर, मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य और मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है व्यवहारवादी, फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों के समूह में से कौन सा समूह पूर्ण रूप से क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। तो इससे कौन संबंधित है? क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत से। तो इससे संबंधित है वर्दिमर, कोहलर और टॉलबेन। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं फिर, दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है गेगनी, ठीक है। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। आगे देखते हैं, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है, ये किसने कहा था? तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है और इसे जो अधिगम हम करते हैं, ये परिभाषा दी थी गेट्स ने। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, गेट्स एवं अन्य ने ये परिभाषा दी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये राजस्थानी भाषा का है। तो देखते हैं, अधिगम रे प्रयत्न अर भूल सिद्धांत र प्रतिपादक, यानी अधिगम का जो प्रयत्न और भूल सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, एक बालक अधिगम सीखता है यदि उसे क्रियाविधि से पढ़ाया जाए। इसका फोर्थ नंबर आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो अधिगम के लिए आवश्यक है स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया। उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर है। आगे देखते हैं, शिक्षण अधिगम का केंद्र है। तो शिक्षण अधिगम का केंद्र क्या होता है? इसका केंद्र होता है शिक्षार्थी। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। अधिगम के दो प्रकार हैं। तो अधिगम के दो कौन कौन से प्रकार हैं? ये हैं आगमन एवं निगमन। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा नहीं है? तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र सिद्धांत है? ये है विभेदीकरण। बाकी जो है ये सभी संबंधित है लेविन के अधिगम संबंधित क्षेत्र सिद्धांत से, जीवनधारा, वेक्टर्स और कर्षण एवं तल रूप। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं, भावात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत किससे उसका घटक नहीं माना जाएगा? तो ये नहीं माना जाएगा आत्मविश्लेषण को। बाकी आत्म प्रबंधन, आत्म अभिप्रेरण और तदनुभूति, इन सभी को भावात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत उसका घटक माना जाएगा। आगे देखते फिर, सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है कहाँ से?
ये होता है संपर्क से। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम किस प्रकार की एक प्रक्रिया है? तो ये है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। तो अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं फिर आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है अधिगम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखते फिर संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? इसके अंतर्गत सीखा जाता है अनुकूलन। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। तो अधिगम का जो सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है वो है व्यवहार का रूपांतरण। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। आगे देखते हैं सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है, ये हम देख लिया है संपर्क से। आगे देखते हैं फिर ज्ञान आदतें ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है, यह कथन जिसका है वह है। तो ये कथन किसका है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है थर्ड नंबर ऑप्शन क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो का यह कथन है कि आदतें ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संकेत अधिगम, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, यानी उपरोक्त सभी। तो ये आपको ध्यान रखना है ये सभी प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं। आगे देखते हैं संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये है पावलो। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। आगे देखते हैं रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? तो इनके अनुसार जो अंतर्दृष्टि अधिगम है वो अधिगम का प्रकार नहीं है, बाकी संकेत अधिगम, प्रत्यय अधिगम और उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम इनके अनुसार अधिगम के प्रकार हैं। आगे देखते हैं पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट भी हुआ है। पुनर्बलन सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे हल। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सेकंड नंबर ऑप्शन अनुभवजन्य अधिगम कॉल रॉजर्स। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। आगे देखते हैं अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? तो अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम समझाया गया था डेविड असुवेल के द्वारा। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं निर्मितिवाद अधिगम के पक्षधर थे। तो निर्मितिवाद अधिगम के पक्षधर कौन थे? ये थे लिव वाइगोत्स्की। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निर्मितिवाद अधिगम के पक्षधर। आगे देखते फिर निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? तो अधिगम प्रक्रिया का जो सही तार्किक क्रम होगा वो होगा आवश्यकता, उसके बाद में तत्परता, स्थिति और अंतक्रिया। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आवश्यकता, फिर तत्परता, फिर स्थिति, फिर अंतक्रिया। आगे देखते हैं असुवेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? तो उनके अनुसार खोजपूर्ण सीखने से समस्या का समाधान इसमें निहित होता है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं फिर अनुदैर्ध्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे होते हैं, तो वे किस प्रकार के बालक होते हैं? वे होते हैं निश्चित बालक। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो वापस थोड़ा सा देखते हैं अनुदैर्ध्य उपागम में निश्चित बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी। आगे देखते हैं फिर यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है यदि यह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? तो वीडियो को पॉज करके आप जरूर सोचें इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं आगे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? तो प्रकार्य के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है,
कल्पना का सिद्धांत, ठीक है, कल्पनाशील सिद्धांत। बाकी जो संज्ञानात्मक अधिगम है, निपुणता द्वारा अधिगम और अभिवृत्तियात्मक अधिगम, ये सभी प्रकार के अनुसार अधिगम के प्रकार हैं। आगे देखते हैं, श्रृंखला अधिगम संबंधित है। श्रृंखला अधिगम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गेगनी से, ठीक है। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, पृच्छा अधिगम किसके विकास में सहायक है? तो जो पृच्छा अधिगम है वो सही है, संज्ञानात्मक कौशल के विकास में सहायक है। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। पृच्छा अधिगम संज्ञानात्मक कौशल के विकास में सहायक है। आगे देखते फिर, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम है। तो यहाँ पर देखते इसका आंसर, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। तो ये तीनों के तीनों नियम जो हैं, ये थॉर्नडाइक के अधिगम नियम है, तो उक्त सभी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं फिर, वापस यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है। शास्त्रीय अनुबंधन रे सिद्धांत रा प्रतिपादक हैं। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शास्त्रीय अनुबंधन जो सिद्धांत था उसके प्रतिपादक थे IV पावलो। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत री शिक्षा में उपयोगिता, राजस्थानी भाषा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मानसिक रोगों ने दूर करवा में, सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं फिर, सीखने रो अंतर्दृष्टि सिद्धांत बतायो है। तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था वो किसने बताया था? वो बताया था मैक्स वर्दीमर व कोहलर ने। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, शारीरिक मानसिक एवं व्यक्तिगत विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी गई थी? तो रखी जाती है, तो ये रखी जाती है बाल्यावस्था में, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। शारीरिक मानसिक एवं व्यक्तिगत विकासों की मूल आधारशिला बाल्यावस्था काल में रखी जाती है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो अल्बर्ट बांडुरा द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था वो किया गया था प्रक्षणात्मक अधिगम, सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। फ्रेंड्स, जितने भी ये क्वेश्चन है ये आपको ध्यान में होने चाहिए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब भी आप स्टडी करें तब आपको ध्यान में होने चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी इससे क्रिएटिवली होती है। तो हमारा यही उद्देश्य है अधिक से अधिक क्वेश्चन लाने का, कि आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आप जितने भी ये प्रीवियस ईयर के पेपर है वो भी जरूर देखें। मैंने चैनल पर अपलोड भी किए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो वो भी जरूर देखें, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनका जो सिलेक्शन हुआ है, और मेरा भी मानना है कि सिलेक्शन का जो सबसे बड़ा आधार है वो है अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अगर आप जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही अधिक बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना, लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें, और हमें हमेशा मोटिव करते रहे लाइक करके। इस वीडियो का हमने टारगेट रखा है 100 लाइक्स का, तो आई होप आप इसको भी पूरा कर दोगे, और शेयर जरूर करें, और हमेशा की तरह वीडियो देखते रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो करें ही, और कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।